नमस्कार, आप देख रहे हैं रूबरू बिहार और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। चैत्र नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले अमावस्या के दिन आज यानी सोमवार 8 अप्रैल को साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो दुनिया के कई भूभागों पर दृश्यमान होगा। 8 अप्रैल को चैत्र मास की अमावस्या के दिन लगने वाला यह सूर्य ग्रहण कई मायनों में खास माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस साल का पहला सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जो काफी लंबा चलने वाला है। वैज्ञानिकों की माने तो इस तरह का संयोग कुल 54 सालों के बाद लग रहा है, और यही वजह है कि साइंटिस्ट भी इस सूर्य ग्रहण को बेहद खास बता रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार आज लग रहे पूर्ण सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 10 मिनट की होगी, जो 54 सालों में लगने वाला सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। भारतीय समय अनुसार यह सूर्य ग्रहण आज 8 अप्रैल को रात 9:12 से प्रारंभ होगा और कुल 5 घंटे 10 मिनट तक रहेगा, जिसके बाद यह रात 2:22 पर समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति तब पैदा होती है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, और इस वजह से पृथ्वी के एक पूरे भाग पर अंधेरा छा जाता है। बता दें कि पूर्ण सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से बिना किसी यंत्र के भी देखा जा सकता है। हालांकि नग्न आंखों से सूर्य ग्रहण देखने से आंखों को नुकसान हो सकता है और आंखों की रेटिना पर असर पड़ सकता है, इसलिए आपको नग्न आंखों से ग्रहण के वक्त सूर्य को देखने से बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के समय कुछ कामों को करने से भी बचना चाहिए, जैसे ग्रहण का सूतक काल शुरू होने के पश्चात किसी भी प्रकार के शुभ काम को करने से बचना चाहिए, और साथ ही इस समय मंदिर में पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। तो वहीं सूतक काल लगने के बाद भोजन भी नहीं पकाना चाहिए, बल्कि बने हुए खाने में सूतक काल प्रारंभ होने से पहले उसमें तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए। सूतक काल के वक्त भोजन करना भी निषेध होता है और इस समय क्रोध भी करने से बचना चाहिए। वहीं ग्रहण के वक्त अकेले किसी भी सुनसान स्थान या शमशान भूमि पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के वक्त नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है, जिसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। हालांकि आपको बता दें कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, जिस वजह से भारत में इसका असर भी देखने को नहीं मिलेगा, और साथ ही इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। शास्त्रों की माने तो ग्रहण जहां दिखता है उसका प्रभाव भी बस वहीं देखने को मिलता है, इसलिए भारत में इस सूर्य ग्रहण का भौतिक, आध्यात्मिक या सूतक का किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि साल 2024 के पहले सूर्य ग्रहण की शुरुआत दक्षिणी प्रशांत महासागर से होगी और पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और आयरलैंड जैसे देशों में इसका असर दिखाई देगा। आपको यह भी बता दें कि आज लगने वाले सूर्य ग्रहण की नासा लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। भारत में रहने वाले लोग भी सूर्य ग्रहण को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें रूबरू बिहार के साथ।